हाय मेरे बच्चों यह है आपका पार्ट आठवीं परिचय इंट्रोडक्शन क्लिसन यह एक कक्षा है दिस इज एक क्लास रूम इन दिस क्लास रूम द चिल्ड्रेन आर इंट्रोड्यूसिंग देयर सेल्फ क्लिसन अध्यापक जी नमस्ते नमस्ते टीचर द स्टूडेंट्स आर विशिंग टू द टीचर नमस्ते छात्रों नमस्ते स्टूडेंट द टीचर इज विशिंग टू द स्टूडेंट्स एंड लिसन डियर चिल्ड्रन द टीचर इज आस्किंग टू द स्टूडेंट्स टे लव अबाउट योर सेल्फ लिसन द टीचर इज संग दट तुम्हारा नाम क्या है व्हाट इज योअर नेम अपने बारे में बताओ टे लवर अबाउट योर सेल्फ सो वन स्टूडेंट इज रेस्पोंडिंग मेरा नाम जौहन है माई नेम इज़ जौहन मैम आठ साल का हूँ आई एम एइ ईयर्स ओल्ड मैम शिमला में रहता हूँ आई लिव इन शिमला द अनदर चाइल्ड इज़ ऑल्सो रेस्पोंडिंग मेरा नाम नील है माई नेम इज़ नील मैम आठ साल का हूँ आई एम एइ ईयर्स ओल्ड मैम शिमला में रहता हूँ आई लिव इन शिमला एंड यिल्ड्रेन इन दिस सेशन ओनली बॉयज़ आर स्पीग इंट्रोड्यूसिंग दर सेल्फ इफ़ एनी ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज रेस्पॉन्डिंग शी विल से लाइक दिस मेरा नाम रिचिता है माई नेम इज़ रिचिता मेम आठ साल की हूँ आई एम एइ ईयर्स ओल्ड मेम शिमला मेम रहती हूँ आई लिव इन शिमला दर इज़ टू डिफरेंस मेम आठ साल की हूँ की इज़ द डिफरेंट की इज़ यूजिंग इन एनी ऑफ द फेमिन जेंडर मेम शिमला मेम रहती हूँ देर इज़ ऑल्सो वन डिफरेंट इफ ए बॉयज चाइल्ड इज़ से देंटेंस मेम शिमला मेम रहता हूँ इफ एनी ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज़ इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ मेम शिमला मेम रहती हूँ रहती इज़ यूज इन गर्ल चाइल्ड इज़ फेमिन जेंडर की एंड रेहती इज़ यूज इन फेमिनी जेंडर Ka and Rehta are used only the boys, that is in masculine gender. Okay, these two are is very different. When you are the introducing yourself, please remember this. If any of the boy child is introducing their self, you should say Ka. If and Rehta also. If any of the girl child is introducing their self, you have to use Ki. Main sal Ki Hum and मैं शिमला में रहती हूँ ओके वेन यू आर यूजिंग इंट्रोड्यूसिंग यूर सेल्फ यूज की आन रहती ओके डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज लिसन तुम जा रहे हो वर आर यू गोइंग मैं घर जा रहा हूँ आई एम गोइंग होम हेर इज वन क्वेश्चन तुम कहा जा रहे हो प्लीज नोट दैट दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग इन तुम

तुम दोनों क्या कर रहे हो हियर इज ऑल्सो तुम सो दैट सेंटेंस इन एंड हो वट आर यू डूइंग हाउ कैन वी आस्क दिस क्वेश्चन तुम दोनों क्या कर रहे हो वट आर यू डूइंग सो द आंसर इज हम दोनों चित्र बना रहे हैं वी आर ड्रॉइंग दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग इन हम आवर हम ओके okay? सो द सेंटेंस इज एंड इन ए हेम हम दोनों चित्र बना रहे हैं we are drawing so we already studied tum when we are starting in tum sentence it should be ends in a ho when we are using me the sentence should ends in a hum okay

रीटा तुम क्या कर रहे हो रीटा व्हाट आर यू डूइंग मैं पढ़ रही हूँ आई एम स्टडी प्लीज नोर दैट मैं पढ़ रही हूँ रीता इज ए गर्ल चाइल्ड सो शी इज रेस्पोंडिंग लाइक दिस मैं पढ़ रही हूँ प्लीज नोट दैट रही हूँ इफ यू आर आस्किंग ऑल्सो यू शुड आस्क टू द गर्ल चाइल्ड रही रीटा तुम क्या कर रही हो सो शी इज रेस्पोंडिंग मैं पढ़ रही हूँ इफ एनी ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज रेस्पोंडिंग यू शुड यूज रही ओके okay. मैं पढ़ रही हूँ नेक्स्ट लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी आप क्या कर रही हैं मम्मी वाट आर यू डूइंग वेन वी आस्क एल्डर्स एनी ऑफ द क्वेश्चन वी मस्ट यूज एंड वी मस्ट एड्रेस दम आप से रेस्पेक्टफुल वर्ड ओके सेन्टेंस स्पोकन टू एल्डर्स यूजिंग आप मस्ट एंड विथ ए हे ओके okay? हम एंड आप यूज व्हेन वी यूजिंग हम एंड आप इट शुड बी एंड्स इन ए हेम ओके मम्मी आप क्या कर रही है सो द आंसर इज मेम गाना बना रही हूँ दिस सेन्टेंस इज आल्सो स्टार्टिंग इन मेम सो इट शुड बी एंड्स इन ए हूम आई एम कुकिंग फूड

Mummy, what are you doing? This is the question. So, mummy is responding, Main gana bana rahi hum. Mummy is a feminine gender. So, she is also saying, Rahi. Main gana bana rahi hum. I am cooking food. Okay? Okay, dear children, this is enough for today. Lesson 8 is over. So, read well this one. And try to introduce yourself in Hindi. Okay? i will ask a question in next online class you have to introduce yourself in hindi okay so prepare well okay dear children thank you